ये परिवारजनों, मध्य प्रदेश में यहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। आपको आश्चर्य होगा, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है, तो भाजपा का यहां पक्का है। लेकिन क्यों लड़ रहे हो? वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़। और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? आपके बेटे बेटी का भाग्य उनको सूझेगा क्या? आपके बेटे बेटी के लिए कुछ करेंगे क्या? तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? मध्य प्रदेश के मेरा युवा साथी जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, उन्हें ये बात खास तौर पर समझनी होगी। कांग्रेस का ना तो अपना कोई भविष्य है और ना ही उसके पास एमपी के युवाओं के लिए कोई भविष्य की योजना है, कोई रोड मैप है। कांग्रेस के नेता आज भी उनकी बातें सुनिए, क्या कह रहे हैं? दादा दादी ये किया, नाना नानी ये किया, और इसलिए हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे दादा दादी थे, हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे नाना नानी थे। जबकि भाजपा आपके भविष्य के लिए, यहां के नौजवानों के भविष्य के लिए काम कर रही है। भाजपा मध्य प्रदेश को विकसित बनाना चाहती है, मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई देना चाहती है। आज ये जो आधुनिक सड़कें बन रही है, ये किसके लिए बन रही है भाई? ये जो आधुनिक ट्रेनें चलनी शुरू हुई है, ये किसके लिए है? ये मेरे एमपी के युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए है। महाकौशल क्षेत्र में जैसे जैसे आधुनिक रेलवे और चौड़े हाईवे का जाल फैलेगा, वैसे वैसे यहां नए औद्योगिक गलियारे बनेंगे। आज भारत पूरी दुनिया भर के पर्यटकों की पसंद बन रहा है। यहां तो बैच नेशनल पार्क है, इसे मोगली का घर भी कहा जाता है। इसलिए सिवनी सहित इस पूरे जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन आधारित रोजगारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।